नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। बिहार में 24 सीटों पर होने वाला है एमएलसी चुनाव। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, मगर अगर हम राजद की बात करें तो महागठबंधन है। एक तरफ कांग्रेस जो है वो अपना दावेदार पेश कर रही है, दूसरी तरफ जो राजद है वो अपने उम्मीदवार को खड़ा करके दावे पेश कर रही है, मगर जो उलझने हैं वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि तमाम जो गतिविधियां हैं, जिस तरह से होड़ चला हुआ है कि हम आगे तो हम आगे, मगर कौन आगे है इसकी चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, जो कि हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अगर किसी भी चीज़ का अपडेट लेना हो तो मृत्युंजय तिवारी हमेशा तैयार रहते हैं। तो क्या लग रहा है मृत्युंजय जी, आप तैयार हैं जो सीटों का बंटवारा के लिए जिस तरह से माहौल पूरा खलबलाया हुआ है, उस चीज़ के लिए आप लोग कितना तैयार हैं? कहीं कोई माहौल खलबलाया हुआ नहीं है। माहौल और खटपट तो एनडीए में है। अच्छा। हम लोग महागठबंधन में कहीं कुछ खटपट नहीं है, सब ऑल इज वेल है। हम 2400 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ये प्रयास में है 24 सीटों पर महागठबंधन की जीत कैसे हो, इसी के लिए रणनीति तेजस्वी यादव जी बना रहे हैं। चलिए, आप लोग तो बोल रहे हैं 24 सीट में 24 सीट आप ही लड़ेंगे, मगर कांग्रेस भी है अपना दावा पेश कर रही है और 7 सीटों की मांग कर रही है। देखिए, वो 7 सीटों पर कांग्रेस क्यों चिंतित है? हाँ। उनको तो 24 सीट की चिंता होनी चाहिए। अच्छा। कि 24 सीट कैसे सब लोग मिलकर जीते, तो वो 7 ही सीट पर चिंतित हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए, महागठबंधन जब बैठेगा, सब लोग बैठेंगे, मिल बैठ करके तय होगा कि मतलब कैसे 24 सीट पर। ये लग रहा है कि राजद एक तरफ सोच रहा है बहुमत लाए, तो वही कांग्रेस सोच रही है अलग विचार कर रही है, यहाँ पे समीकरण नहीं बैठ रहा। कहीं कोई विचार अलग के बात अलग का बात नहीं है। हमारी प्राथमिकता है 24 सीटों पर हम चुनाव जीते हैं, चाहे कैसे भी। जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे, हाँ, वो उम्मीदवार को हम लोग तय करेंगे। जब तारीखों का चुनाव का ऐलान हो जाएगा, इसके बाद सभी दल के नेता बैठेंगे, सब चीज़ पर तय हो जाएगा फार्मूला। लेकिन अभी से कांग्रेस अगर 7 सीटों की डिमांड कर रहा है, ये भी हमें आश्चर्य हो रहा है। उनको 7 ही सीट की चिंता है। जब आप गठबंधन में हैं तो आप अपनी ताकत 2400 सीट पर रखिएगा, तब ना जब दूसरे को दल को वो सीट पर चुनाव लड़ेंगे दूसरे दल के उम्मीदवार, तो उसको आप मदद पहुंचाइएगा। आप 7 सीट पर अपनी ताकत रखिएगा, तो बाकी सीट पर तो आप का क्या फ़ायदा होगा। तो हम तो तैयारी 24 सीट पर कर रहे हैं कि हमारी ताकत रहेगी, तभी हम दूसरे को जब वो सीट जाएगा तो हम उनके उम्मीदवार को मदद कर पाएंगे मजबूती से। चलिए, तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मृत्युंजय तिवारी थे, जो कि राजद प्रवक्ता है, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है जिस तरह से कांग्रेस जो है, जो कि महागठबंधन में है बिहार में, तो 7 सीटों की मांग कर रही है, मगर देखने वाली बात यह होती है कि क्या राजद और कांग्रेस में जो गठबंधन है वो आगे बरकरार रहेगा या नहीं। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।